ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जैसे मैंने कहा, आपने नागपुर में बहुत काम किया है, इसके बावजूद आपका मार्जिन कम आया लोकसभा में। आपके किसी नजदीकी से मैंने बात की, उन्होंने कहा देयर वाज अ कंस्पिरेसी इन द बीजेपी टू डिफीट नितिन गडकरी। सही है गलत है? पूरी गलत है। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया। When the first list of the BJP came out before लोकसभा, आपका नाम नहीं था। आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। तो आपके तरफ देखकर बड़े ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूँ आपको। किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप जरा जिम्मेदार जैसी बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे किसी ने ही ये कहा नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र की लिस्ट ही जो रिकमेंड होकर, पहले पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने सीटों को रिकमेंड करके दिल्ली भेजता है। जब महाराष्ट्र की लिस्ट ही नहीं आई थी और बाकी जगह से लिस्ट आई थी तो महाराष्ट्र का एक भी नाम नहीं आया था, तब मेरा नाम उसमें जब आया तब उसमें हुआ। सर मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ यही सवाल आपको, इसलिए ये सवाल पूछना है। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन पे जाइए ना। आएंगे आएंगे। पहले पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप पॉलिटिकल जो पूछ रहे, दुर्भाग्य से आपके कोई बात का कोई रिलीवेंस ही नहीं है। ठीक है, तो मैं व्हाट इज योर, हमारे लिए छोड़ दो, राजनीतिक नेता बोलते हैं। व्हाट इज योर रोल इन महाराष्ट्र? व्हाट इज नितिन, आर यू ओनली हैप्पी इन बीइंग रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन दिल्ली? आपका कोई रोल रहेगा? आप मेरे रोल की बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। मुझे कोई लेना देना, मैं मंत्री बनूँ या प्रतिष्ठा सम्मान मिले, आई ऑलवेज फील दैट द पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं अपने काम करते रहूंगा और मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। सर लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ फिर कि चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के निरीक्षक आए हुए थे और उन्होंने पूछा वहां पर कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए? यही एक्सरसाइज बीजेपी ने पूरे देश में किया, बजाय सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूंसीज के, लखनऊ में नहीं किया या फिर वाराणसी में नहीं किया। आपके ही कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि बाकी जगह पे नहीं हो रहा, यहां पर नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? और इसीलिए सवाल बार बार यह पूछा जा रहा था कि पूरे विदर्भ में जहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल नजर आ रहा था, आप ही एक ऐसे थे कि जहां पर इस तरीके का एक्सरसाइज किया जाता है। और आपको, बड़े नेताओं की बात करें हम तो, और विदर्भ में जब बीजेपी का पूरा परफॉर्मेंस खराब हो गया, आप अकेले जीत कर आ गए क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स सारे जगह पे ठीक ठाक थे, इसीलिए ये हो पाया ऐसा लगता है, और इसीलिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को, सिस्टम को समझिए। अभी देवेंद्र जी जहां से लड़ने वाले हैं वहां भी पूछने के लिए निरीक्षक आए। सर लखनऊ में नहीं गए, वाराणसी में नहीं गए? लखनऊ में भी गए, वाराणसी में भी गए, और सब कार्यकर्ताओं का मानस जाना, पूछा गया। ये लोकतांत्रिक पद्धति है और उसके बाद उसका रिपोर्ट केंद्र में आया, ये कोई अलग नहीं हुआ ऐसा कुछ। सर मैं आखिरी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा और वो ये है, अगले साल आरएसएस के 75 साल हो रहे हैं, 100 साल हो रहे हैं, आप आरएसएस से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, ये जो स्पेक्यूलेशन है ये है कि अगले साल शायद मोदी जी अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचे या आरएसएस कहे कोई नए नेतृत्व हो, तो नितिन गडकरी जो आरएसएस के बड़े लाड़के हैं, बड़े नजदीक हैं, क्या नितिन गडकरी को एक तरह से प्रमोशन दिया जाएगा? ये जो अटकलें लगाई जा रही है इस पर आज बता ही दीजिए। मैं बता ही देता हूं, तुम्हारे जैसे लोगों को अटकलों पे चलने का जो काम चलता है वो चलते रहना चाहिए। मैं कोई रेस में नहीं हूं आज तक। हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने कभी अपना कटआउट लगाया नहीं, किसी के डिवाइडर दिया नहीं, कोई लफड़े लोचे में नहीं हूं, मैं अपना काम करते रहता हूं। और रही बात आरएसएस की, आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूँ, और रही बात मोदी जी की, तो आप एक काम करिए, आप बहुत अनुभवी कुशल पत्रकार है, आप मोदी जी को पूछिए, आरएसएस को पूछिए, आरएसएस के प्रवक्ता को पूछिए, उनके सवाल मुझे क्यों पूछते हो? हाउ इज योर रिलेशनशिप विद मोदी जी? अच्छी है। वेरी गुड, गुड, नॉट सो वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ आप चाहते कि नहीं चाहते मुझे मालूम नहीं, पर माई रिलेशन इज वेरी गुड। जस्ट वेट, गौरव गोगोई यू आर हियर, इफ समवन कैन गिव द माइक टू गौरव गोगोई, वो डेप्यूटी लीडर है लोकसभा। गौरव गोगोई, इफ यू हैड टू चूज अ बीजेपी लीडर हु यू थिंक कैन मैनेज अ कोलिशन, वुड नितिन गडकरी फिट योर बिल? वुड यू बी मोर कंफर्टेबल विद नितिन गडकरी?
Rajdeep, I told you that I learn a lot from BJP leaders also. And like Nitin Gadkari ji says, aap jo mere se nikalwana chahte hai, main bolunga nahi. अब आप कहोगे कि नितिन गडकरी के मदद के लिए अपोजिशन वाले भी आए, इसका रहस्य क्या है? नहीं तो नहीं, नहीं, हम ये कहेंगे कि गौरव गोगोई ने अटकलें बढ़ाई, कहा कि हम नितिन गडकरी को पसंद करते हैं। अरे भाई, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो ये उस व्यक्ति का चॉइस है, लोकतंत्र में उसका अधिकार है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास जब भी कोई भी पार्टी का एमपी एमएलए आता है तो मैं डिपार्टमेंट में यह कहता हूं कि जो लीगल काम है वो सबका होना चाहिए और गलत काम अपने का नहीं होना चाहिए। और मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसी का अनुकरण कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस राजनीतिक शैली से आते हैं, जमाने से, जहां विपक्ष और सरकार के बीच में अच्छे रिश्ते होते थे। विपक्ष का काम हो, सरकार का काम हो, अगर लीगल होता था तो वो होता था। अब देखा गया कड़वाहट आई, यही महाराष्ट्र में भी देखिए, सरकारें गिरती है, लेन देन होता है। क्या नितिन गडकरी को लगता है ये सही दिशा है जो राजनीति जा रही है? कहीं ना कहीं जो बड़ी तस्वीर आप बताई है, क्या आपको लगता है कि हमें इस कटुता से आगे निकलना है? तो पहली बात तो मैं 3 महीने के बाद मुंबई आया, मेरा आजकल आना जाना बहुत कम होता है। आजकल दिल्ली से नागपुर फ्लाइट होती है, तो महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में मुझे ज्यादा, ओवरऑल इंडिया, क्या इंडिया की राजनीति में कटुता बढ़ी है और इससे आपको अफसोस होता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी रूलिंग पार्टी में होते हैं, कभी अपोजिशन पार्टी में होते हैं। विचार और कार्यक्रम के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर हमारे बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। यही विचारों का वारसा अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने दिया और उन्होंने इसी प्रकार से काम किया है। और मोदी जी भी आज एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और एनडीए के सभी पार्टियों के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और आज भी हम सबके बीच में अच्छे रिश्ते प्रस्तावित करके आगे जाना। तो नितिन जी, ये खबरें क्यों आ रही है कि आपको महाराष्ट्र में, आप यहां पर रुकेंगे, आपको स्टार प्रचारक बनाकर यहीं पर आपको रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी में बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है महाराष्ट्र में, तो ये खबरें बार बार क्यों आ रही है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आपको यहां पर रखा है? मैं पिछले लोकसभा में 55 लोकसभा जगह सभाएं मैंने ली, रैली। सर, प्रचार करना अलग बात है, लेकिन पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पार्टी का फेस बनना या पार्टी को रिवाइव करने के लिए कोशिश करना अलग। शायद जानते नहीं, मैं पहले भी फेस था, आज भी और कल भी रहूंगा, क्योंकि मैं ये मुंबई में पार्टी का अध्यक्ष था, मैं यहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, ये मुंबई के 55 फ्लाईओवर से लेकर ये सब काम उस समय करने का मौका मुझे मिला। फिर मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, फिर मैं दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष बना, तो मेरा तो ग्रास रूट से महाराष्ट्र।